एक पार्सल मंगाया था काफ़ी टाइम से, मतलब एक हफ्ता दो हफ्ता डिले हो गया था, तो आज ये पार्सल आ गया हमारा। आइए देखते हैं इसको खोल। व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये फाइनली आ गया है हमारा, ये हिमांशु जी ने मंगवाया था, तो ये आ गया है। एक हफ्ता दो हफ्ता डिले करवाया था शायद, एक दो आज आई गया। इसको आज खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। लाइट वेट काफी लग रहा है हिमांशु जी, बिल्कुल बहुत लाइट वेट है ना। काफी जगह पता करके फिर अपन ने ऑर्डर किया इसको, मतलब हाँ यार स्टार्टिंग के हिसाब से तो सही है ये हेलमेट। क्या राजा भाई, दादा आगे नहीं रहे हमारे, यहीं से खुलेगा इसको, यहीं से खोल दो। यूं कर दूं क्या, फाड़ दूं? नहीं खोलना इसको ऊपर से, एक बार टेप और एक बार और खोल दूं। मैं देखा बॉक्स को भी निकाल ही लेते हैं। नहीं ये तो मैजिक बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर बॉक्स है। वो तो भाई आ चुका है हमारा हेलमेट नया हिमांशु जी का। मेरे पास तो है स्टड्स का ही है, इनके पास स्टील बर्ड का था, वो मतलब लॉन्ग टूर के हिसाब से सही नहीं था। अब नए हेलमेट को नए ट्यूब पे करेंगे, देखते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ कैसा क्या निकलता है। वो सेक्सी लग रहा है ब्रो, स्नीक पीक दे दो गाइस को। ये देख लो रोंडो कैसा लग रहा है स्नीक पीक सही। देखिए बेटर अपना लो, फुल पैडिंग है ना इसमें भी, काटो। लग रही है चीज़, एक तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। क्या हिमांशु जी कैसा लगा आपको आपका हेलमेट? नहीं सबसे अच्छा लगा, और मतलब कलर कुछ डिफरेंट है, अपन ने सोचा था वैसा ही है हेलमेट जैसा हमने फोटो में देखा था। और क्या बोलते हैं वेट एकदम जो है ना 1300 ग्राम लिखा हुआ है, पर हाँ है चीज़ लग रही है वर्थ इट। और मेन चीज़ तो इसकी जो है ना वो है पैडिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। स्टील बर्ड का जो था पहले हमारे पास, उसका तो क्या पैडिंग इतनी अच्छी नहीं थी। खैर मेरे पास तो स्टड्स ही है, ये बस मॉडल चेंज है, कलर अच्छा है, मेरे पास भी थंडर ही है। क्या चमचमा रहा है ये तुम्हारा भाई, इसको बनारस लेके जाएंगे। बनारस जाएगा भी है।